गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि इनिसिस कंपनी के रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए। तो फ्रेंड, फाइनली इनिसिस कंपनी का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना, वो भी सऊदी अरब के लिए। जी हाँ, सऊदी अरब के लिए इनिसिस कंपनी जो कि नासिर अल हजरी कंपनी है, इसका रिक्वायरमेंट आ चुका है। और आपसे बता दूँ कि बहुत से भाई लोग कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि इनिसिस कंपनी का रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, खासतौर में स्टाफ ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊँगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और इनिसिस कंपनी कैसी है सऊदी अरब में, ठीक है ना, और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, और किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं गल्फ से रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं, चाहे वीजा का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे टिकट का इन्फॉर्मेशन हो, या फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन हो, या मेडिकल का इन्फॉर्मेशन हो, या कोई इंटरव्यू का इन्फॉर्मेशन हो, यानी कंपनी से रिलेटिव और ऑफिस से रिलेटिव टोटल इन्फॉर्मेशन मैं प्रदान करता हूं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, या मैसेज में कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कोई भी कमेंट दीजिएगा, मैं सब कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आज तक कोई भी भाई का ऐसा कमेंट नहीं जिसका मैं रिप्लाई नहीं दिया हूँ, ठीक है ना। जो भी कमेंट कीजिएगा साफ साफ कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि इनिसिस कंपनी, जिसका पूरा नाम नासिर अल हजरी कंपनी है, जिसको हम लोग नसीरा भी बहुत लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनिसिस कंपनी आपसे बता दूं कि बहुत बड़ी कंपनी है, यानी कि इसका काम अभी चार कंट्री में, यानी कि फोर कंट्री में काम चल रहा है, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में और अबू धाबी, यानी कि दुबई कंट्री, जिसको हम लोग यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरात, यूएई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि चार कंट्री में काम चलता है, जो इसका मेन पावर है वो 50 to 1 lakh, यानी कि समथिंग 1 lakh लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है ना। अभी जो इसका नया जॉब है वो कतर में चल रहा है, यानी कि न्यू जॉब कतर में चल रहा है, और ऐसे तो इसका काम बराबर मिलता रहता है, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि फ्रेशर वर्कर के लिए ये बहुत अच्छी कंपनी, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर कैंडिडेट अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, यानी कि इंडिया में डिप्लोमा किए हैं या कोई भी ट्रेड से आप डिप्लोमा किए हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि एक्सपीरियंस हमारा बन जाए फिर जाकर कोई बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में चले जाते, इनिसिस कंपनी आपके लिए बेस्ट कंपनी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसका फैसिलिटी के बारे में बता दूं फ्रेंड, तो फैसिलिटी इसका फ्री फूड है, फ्री एकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। खाना फ्री है, एकोमोडेशन जो रूम का फैसिलिटी होता है सब कंपनी का है, और जो ट्राफिक मतलब गाड़ी से आते जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वो सब कंपनी का है। प्लस मेडिकल है, यानी कि फ्री मेडिकल है, अगर आप बीमार हो गए कैंप में, आपको कोई इंजुरी हो गया साइड पर या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो कंपनी जो हॉस्पिटल में जाएगा वो मतलब कंपनी की तरफ से रहेगा, यानी कि आपका पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद से अगर जो मेडिकल मिलेगा 2 दिन 4 दिन डॉक्टर के हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी 8 घंटे का, वो पैसा कंपनी पे करेगी, यानी कि आपको वो पैसा मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि आपका अब्सेंट नहीं लगेगा। तो यानी कि सप्लाई कंपनी नहीं है, सप्लाई कंपनी में फ्रेंड हर साल लाखों लोग आते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, यानी कि गल्फ में कहीं पे भी लोग फंस जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि एजेंट के चक्कर में पड़ के और गलत ऑफिस के द्वारा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑफिस के बारे में, यानी कि इंडिया की लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ना कि मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार करता हूँ, ताकि हमारे जो भी भाई लोग जो हमसे जुड़े हैं वो अच्छी कंपनी में आए और अच्छा पैसा अर्न करे, कमाए और अपनी फैमिली का अच्छी तरह ख्याल रखे, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए फाइनली हम बात करते हैं कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है इनिसिस कंपनी का। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि मैकेनिकल मैनेजर है स्टैटिक और रोटरी का, ठीक है ना, स्टैटिक और रोटरी का मैकेनिकल मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। देखिए मैनेजर का रिक्वायरमेंट इसमें बराबर रहता है, ठीक है ना। इसके बाद से पाइपिंग मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। हर ट्रेड का मैनेजर अलग अलग रहते हैं, स्ट्रक्चर का अलग, पाइपिंग का अलग, बिल्डिंग का अलग मैनेजर रहते हैं, सब चीज़ का अलग अलग मैनेजर रहते हैं, ठीक है ना। तो पाइपिंग मैनेजर भी चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड, इसके बाद प्रोजेक्ट सिक्योरिटी चाहिए, जी हाँ, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है रिगिंग इंजीनियर, यानी कि रिगिंग जो लोग रिगर रहते हैं ना, रिगिंग पूरा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें क्रेन, रिगर, लीगल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, पूरा रिगिंग डिपार्टमेंट का ही मतलब इंजीनियर चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद प्लानर इंजीनियर, मतलब साइट का, कंपनी का प्लानिंग जो लोग करते हैं प्लानर, वो उसका इंजीनियर चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। इसके बाद से प्लानर इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट, इसका भी चाहिए, यानी कि E&I, प्लानर E&I भी चाहिए। इसके बाद से प्लानर मैकेनिकल चाहिए, यानी कि मैकेनिकल का भी प्लानर चाहिए। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्लानर होते हैं, मैकेनिकल का अलग, E&I का अलग, ठीक है ना, सब स्ट्रक्चर का अलग, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि सिविल और स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का भी प्लानर चाहिए, यानी कि सिविल और स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का भी प्लानर चाहिए।
क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए। जी हाँ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं क्वांटिटी सर्वेयर का, तो देखिए फाइनली क्वांटिटी सर्वेयर का रिक्वायरमेंट आ चुका है और क्वांटिटी सर्वेयर ई एंड आई भी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट का भी क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए। इसके बाद से क्वांटिटी सर्वेयर इंस्ट्रूमेंशन चाहिए, यानी कि इंस्ट्रूमेंशन डिपार्टमेंट का क्वांटिटी सर्वेयर का भी रिक्वायरमेंट है। मैं बता दूँ फ्रेंड कि ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। एक बार और बता दूँ, मैनेजर मैकेनिकल मैनेजर, स्टेटिंग एंड रोटरी, पाइपिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी, रिगर इंजीनियर, प्लानर इंजीनियर और प्लानर ई एंड आई, प्लानर मैकेनिकल और प्लानर सिविल स्ट्रक्चर और क्वांटिटी सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर ई एंड आई और क्वांटिटी सर्वेयर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। एक बार और मैं बता दिया, ठीक है ना, ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट। जो भी भाई लोग हैं जो स्ट्रेड से हैं, ठीक है ना, वो लोग जाकर ऑफिस में अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए, मैं लास्ट में बताऊंगा किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो फ्रेंड इसमें साफ लिख दिया है, डिप्लोमा एंड डिग्री इन गोल्फ विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपलसरी आयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हो गया कि डिप्लोमा और डिग्री जो भी आप लोग किए हैं इसके साथ में 7 साल का, यानी कि 7 ईयर्स का, 7 साल का आपका गोल्फ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ठीक। वो भी सिविल डिपार्टमेंट में नहीं, मतलब बिल्डिंग लाइन का नहीं, आयल एंड गैस प्रोजेक्ट का है। क्योंकि आपसे बता दूं कि NSH कंपनी आयल एंड गैस प्रोजेक्ट में काम कराती है, ना कि MAP और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड ये कोई और ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस है सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस। जी सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस आपसे बता दूं कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। मैं कोई भी फर्जी ऑफिस के बारे में नहीं बताता हूं, ठीक है ना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी मैं ऑफिस के बारे में बताऊँ, जेन्युइन ऑफिस के बारे में बताऊँ, अच्छी ऑफिस के बारे में बताऊँ, ताकि उस ऑफिस में आप जाएँ और अच्छा पैसा अर्न करें, कमाएँ, ठीक। तो इसका एड्रेस ध्यान से नोट कर लीजिए, सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। ये ऑफिस का मतलब ऑफिस है, ठीक है ना, 41 9 केतन इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठीक है ना, महाकाली कैबे रोड, अंधेरी ईस्ट। ये ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना, सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 41 9 केतन इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली कैबे रोड, अंधेरी ईस्ट। ये ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना। जो भाई लोग स्टेट से हैं, अपना जाना चाहते हैं, तो अपना जाकर ऑफिस में शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, मैं जो भी बताता हूँ सिंक्लस सीगोल एशिया पावर, ये ऑफिस का तो डायरेक्ट आप क्लाइंट इंटरव्यू नहीं देंगे, ये चीज़ भूल जाइएगा। यानी कि आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हम ऑफिस पर पहुँचे और क्लाइंट के सामने फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरव्यू दे, तो ये आपका कभी नहीं हो पाएगा। जब भी आपको जाना पड़ेगा तो ऑफिस में शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है कि ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, ओरिजिनल फोटो चाहिए, ओरिजिनल बायोडाटा चाहिए, ओरिजिनल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सब लेकर ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस वाले चेक करेंगे और ऑफिस वाले वेरिफिकेशन करेंगे, आपका एज, आपका पासपोर्ट, सब कुछ चेक करेंगे। आपका एज है ना, पासपोर्ट का वैलिडिटी है ना, एक्सपीरियंस है ना, आप काम किए हैं ना, तब जाकर वो लोग ऑफिस के पास डायरेक्ट क्लाइंट के पास भेजेंगे। क्योंकि क्लाइंट के पास डायरेक्ट आप चले गए पासपोर्ट लेकर, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एज नहीं है, तो क्लाइंट वाले फिर ऑफिस को बोलेगा, बोलता है कि आप लोग क्या चेक कर किए थे, क्या चेक करके एडवर्टाइजमेंट में तो हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि ये रिक्वायरमेंट इस दिन आएगा। तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ऑफिस का पड़ता है, ठीक है ना। तो जब भी ये सब ऑफिस से आपको फ्लाइट कराना है तो शॉर्ट लिस्टिंग कंपलसरी कराना है। बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आपका क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, और बिना जब तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा तब तक क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, जब तक क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा तब तक आपका फ्लाइट नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले शॉर्टलिस्टिंग कंपलसरी है। तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफिस पे चल रहा है, जो भी भाई लोग स्टेट से अपना जाकर शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए, ठीक है ना। शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद से ऑफिस वाले डिसाइड करेंगे कि किस दिन आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि फोनिक इंटरव्यू या माने मान लीजिए ट्रेड ये स्टॉप ट्रेड का है तो आपका ऑनलाइन डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग ऑफिस पे ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।